पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गर्भ अवस्था के आधार से 55 किलो भुक्की की तस्करी करने की दोषी औरत को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा गर्भ अवस्था एक विशेष स्थिति है और इसके आधार से जमानत समय अपराध की गंभीरता को समय ले नजरअंदाज किया जा सकता है। पटीशन दायर करते हुए औरत ने दसिया उस खिलाफ 2 जून लुधियाने NGPS एक्ट तहत FIR दर्ज की गई थी। इल्जाम अनुसार पटीशनर 55 किलो भुक्की समेत फड़िया गया। पटीशनकर्ता वालों पहला दायर जमानत पटीशन रद्द कर दी गई है। कुछ समा पहला पटीशनर नू पता लग गया कि वह प्रैगनेंट है और इसलिए वह नहीं चाहती कि बच्चे का जन्म जेल के विच होवे। जिस तों बाद जिहड़ी पटीशन दायर की गई थी अते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सारिया धिरां नू सुनन तों बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा हिरासत विच बच्चे का जन्म ना सिर्फ मां लई सगो बच्चे दे जन्म लई भी दुखदाई हुंदा है, क्योंकि जो भी बच्चे तो उसके जन्म बारे सवाल किया जाता है तो उसकी मानसिकता से हमेशा माड़ा प्रभाव पैंदा है। एक औरत की जिहड़ी प्रैगनेंसी एक खास स्थिति है जिस विच अपराध की गंभीरता को कुछ समय लई नज़रअंदाज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा गर्भवती औरत की जमानत से फैसला करते समय अनजम्मे बच्चे के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिस तो जेल में जन्म लेने की उम्मीद नहीं की जाएगी। अजिहे स्थिति में जमानत तो इनकार नहीं किया जाना चाहिए। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता पटीशनकर्ता जमानत से रिहा करन दे विच गंभीर जोखम है। इन्हां टिप्पणियां नूं हाई कोर्ट ने पटीशन दी जिहड़ियां मंजूर करदिया पटीशनर नूं जमानत है जिहड़ी दे दित्ती है कि किसी भी बच्चे नूं अधिकार यही नहीं है कि आउंदा ही उसका जन्म है जिहड़ा जेल दे विच होवे अते जदों भी आउण वाले समय दे विच उस तों सवाल किया जाए उसके जन्म बारे तो उस नूं एक गिल्ट फील होवे। अपडेट लैके रूबरू होवांगे। तुहानूं इह फैसला किवें लग्या कमेंट बॉक्स सैक्शन च जरूर दस्सो।